तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारा मामला सेट हो रखा होगा। मेरे को पता है थोड़ा एक सीरियस एनवायरनमेंट है, बट अब हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो काम रहना, थोड़ा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और वायरस चला जाएगा यार थोड़े टाइम में, उसके बाद और ऐसे खुशहाली फैलेगी। तो होपफुली जितने भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ने दे रखी हैं वो सारी आप फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन सब बढ़िया से कर रहे हैं, जितने भी मैं जितनों को भी जानता हूँ सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी कम्युनिटी वाला एफर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अभी सब मोमबत्तियाँ दिए जलाएंगे, बट अपनी दिल की रोशनी उजागर करने के साथ गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। एक दो एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है, और एक एप्लीकेशन तो मेरे ख्याल से एक दो दिन पुरानी है। सबसे पहले कोरोना कवच करके एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। इस वाली एप्लीकेशन में क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर इन्होंने कोविड 19 के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई थी कोरोना कवच करके, और इसमें काफ़ी सारे फीचर थे बट काफ़ी बेसिक सी एप्लीकेशन थी और कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज़ की भी कमी थी। और इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बना दी थी, आप लोगों को पोस्ट करके मैं दिखाने भी वाला था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली करती क्या है। सबसे पहली बात तो ऊपर आपको दिख ही रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर इन्होंने बना रखी है, बट गवर्नमेंट ने वो एप्लीकेशन डिलीट कर दी। मेरे ख्याल से कुछ बग्स होंगे या फिर उनका कुछ स्ट्रैटेजाइज डिफरेंट तरीके से करना हो गया, हो सकता है कुछ दिक्कत होगी एप्लीकेशन में। बट अभी इन्होंने दो दिन पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसके साथ एक और एप्लीकेशन भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इनकी वेबसाइट पे देख रहा था, तो कोविड 19 फीडबैक करके भी इन्होंने एक एप्लीकेशन नहीं, मैं भी पहली बार इसको खुल के देख रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली जिन लोगों को हो रखा है और जिन्होंने टेस्ट कराया, बेसिकली हो रखा है नहीं हो रखा है, जिन्होंने टेस्ट कराया उनके लिए, तो हमने तो कराया नहीं है तो हमारे लिए काम की नहीं है। दूसरी वाली जो है उसका नाम कोरोना से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, ये है आरोग्य सेतु। आरोग्य का मतलब भी चक्कर लगा हूँ, आजकल हिंदी भी इम्प्रूव करी जा रही है बात, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आरोग्य का मतलब मैंने चेक करा, इसका मतलब होता है हेल्थ ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, और सेतु का तो मेरे को पता ही है जो ब्रिज होता है, तो मतलब ये बेसिक स्क्रीन है जिसमें हमको दिखा रहा है कि हमको सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा तभी हम इस वायरस को डिफीट कर पाएंगे। और ये बता रहा है कि ये वाली एप्लीकेशन जो है ये ब्लूटूथ और लोकेशन आपकी ट्रैक करती है, जिसकी वजह से स्पॉट कर पाती है कि हेल्दी लोग कहाँ कहाँ पे हैं, जो लोग क्वारंटाइन में जिनको रहना था वो कहाँ कहाँ पे हैं, और जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और उसी हिसाब से ये एरियाज डिफाइन करती है। जैसे जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग जा रहे हैं वो थोड़ा डेंजर एरिया होगा, वो थोड़ा रेड जोन है, और फिर एक येलो जोन होगा, ऐसे कर करके। इसमें अगर आप किसी भी ऐसे बंदे के पास में आएंगे जिसने टेस्ट पॉजिटिव कर रखा है कोरोना के लिए, तो आपको ये बता देगी एप्लीकेशन, और खुद भी अगर आपको कोई सिम्टम विम्टम है तो इसमें बता सकते हैं। देखो अभी दिखा रहे हैं कि हम सेफ हैं, हरियाली फैल रखी है बढ़िया से, सेफ ही रहना चाहिए। पिछले दो हफ्तों से घर पर बैठा हूँ, अभी दो हफ्ते और घर पर बैठेंगे। इसमें एक चीज लिखी है जो मैं भी आपको 100% रिकमेंड करूंगा, आप प्रिपेयर रहिए, बट पैनिक ज्यादा करके फायदा नहीं होता, अपना दिमाग खराब होता है। इसमें हेल्प सेंटर्स के आपको नंबर दे रखे हैं, सबसे पहली चीज तो इसमें जितने भी हैं, तमिलनाडु का है, लद्दाख का है, और इसमें लैंग्वेज भी एक्चुअली चेंज कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश में कर रखी है, बट आप हिंदी में और बाकी सारी भी इंडियन लैंग्वेजेज हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी भरनी है, जिसमें मैं डाल देता हूँ अपना नाम पूरा, तो हमने भाई कर दिया है सबमिट। और सेल्फ अटेस्टमेंट टेस्ट भी है इसमें। इसमें होगा क्या कि आपको बताना रहेगा अपनी थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से आपको बता देगा कि आपको कितना खतरा है कोविड 19 डिजीज का या कोरोना वायरस से। उसमें डाल दें जेंडर है मेल और एज है 24, और अभी तक तो कोई सिम्टम आया नहीं है, मतलब होपफुली नहीं है भाई कोई बीमारी उमारी अभी तक तो नहीं है, नहीं इंटरनेशनली भी 14 डेज में हमने ट्रैवल नहीं करा, इसमें से हम किसी के आसपास नहीं है, घर पे ही बैठे हैं मजे से। इसने बता दिया कि हमारा जो इन्फेक्शन रिस्क है वो काफ़ी कम है, और अगर मैं कहीं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को इसमें डालना भी पड़ेगा। और इसमें बेसिक डूज एंड डोंट्स भी इसने बता दिए हैं जो आप लोगों को पता ही होगा। हाथ धुलाना आप क्या हम सीख ही चुके हैं अच्छे, अब मतलब हाथ धोने में एक्सपर्ट हो चुकी है पूरी कंट्री। सेफ्टी मेजर्स का भी वही है, अपने चेहरे को ना टच करिए, और काफ़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वही सारी बता रखी हैं, और ट्वीट्स भी जो आ रहे हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से भी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी इसमें दिखाए जा रहे हैं, और कुछ और भी होता है तो इसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी इस एप्लीकेशन के ऊपर 1000 डाउनलोड्स हैं, बट ये जेन्युइन एप्लीकेशन है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये जो NIC वाला पोर्टल है ये भी गवर्नमेंट का ही है। और जिन लोगों को NIC नहीं पता, ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है जो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनमें से जो गवर्नमेंट को पसंद आती है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और है तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ बट
छोटे छोटे स्टेप्स से ही काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और अभी इनिशियल स्टेजेस हैं हमारी कंट्री में, तो अगर हम पहले से ही थोड़ी मेहनत करके हल्का सा एफर्ट लेके रोक लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर रहेगा। बट इतना ज़ाहिर सारी वीडियो के लिए, होपफुली आप अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने आस पास वालों का भी ख्याल रखेंगे, और सब बढ़िया आगे जाके मस्त हो जाएगा। चलो बाय।